फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कंडक्शन ऑफ हीट। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी रेडिएशन की, अब हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ हीट की। बेसिकली ये क्या है, कंडक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, और आपके पास में कन्वेक्शन क्या है। जैसे कि एक टर्म होता है हीट, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो हीट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में फ्लो करती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। एक उसमें से कंडक्शन होता है, एक उसमें से रेडिएशन होता है, एक उसमें से कन्वेक्शन होता है। इसको बोलते हैं चालन, रेडिएशन को बोलते हैं विकिरण, और कन्वेक्शन को बोलते हैं संवहन। तो जैसे ठोस है, यानी कि कोई मेटल है, मेटल का मतलब है कि धातु है कोई, तो धातु क्या होती है, ठोस होती है, ठीक है। अब धातु है, अगर आपके पास में, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई इस तरीके की रॉड है, अब उस रॉड को आपने इस वाले सिरे से क्यू हीट दिया है, तो अब क्या होता है, अब जब किसी भी सॉलिड को आप हीट सप्लाई करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको पहले हीट मिलती है, और वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। और इस तरीके से उसमें अरेंजमेंट होगा एक तरीके का, तो ये वाइब्रेट करेगा तो ये अपने नियर वाले को आपको कुछ हीट दे देगा, इसी तरीके से ये वाइब्रेट करेगा तो अपने पास वाले को, इसी तरीके से ये क्या करते हैं, हीट जो है देते जाते हैं। और हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पॉइंट। लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाली है कि कंडक्शन में जो पॉइंट्स होते हैं वो अपनी पोजिशन को छोड़ते नहीं हैं, वो वहीं पर बने रहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन और कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, दिस इज इन सॉलिड्स, ये आप रिमेम्बर कर सकते हो, सॉलिड में होता है। दूसरा होता है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड्स में होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है कि एक कोई पतीली या मतलब कोई पॉट लिया, उसको आपने क्या किया, आग पे रख दिया, उसको आप हीट करोगे, हीट करोगे तो क्या होगा, इसमें पार्टिकल्स होते हैं, जो नीचे वाले पार्टिकल्स होंगे इनको पहले हीट मिल जाएगी तो वो गर्म हो जाएंगे, गर्म होने के बाद ये ऊपर आ जाएंगे सरफेस के ऊपर, और जो लोअर टेम्परेचर वाले पार्टिकल्स होते हैं वो क्या आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर जो है अप डाउन का चलता रहता है, यानी कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़ते चले जाते हैं और उनकी जगह कौन ले लेता है, लोअर टेम्परेचर वाले पार्टिकल्स लेते हैं। तो इस तरीके से जो हीट है उसका फ्लो हमारा बरकरार रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। और रेडिएशन को तो हम बता ही चुके हैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब आते हैं आगे, इसमें हम बात करेंगे आइसोथर्मल सरफेस की। जैसे अभी हमने बताया कि मान लीजिए कोई मेटालिक रॉड है इस तरीके का, इसमें दो सरफेस मान लीजिए, एक का टेम्परेचर थीटा है, दूसरे का थीटा माइनस डेल्टा थीटा है, ठीक है। अब क्या होता है कि एनी सरफेस इनसाइड द मटेरियल, अगर आप कोई भी सरफेस ले लो, मान लीजिए यही वाली ले लीजिए, तो इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं अगर उन सब का टेम्परेचर क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, आइसोथर्मल सरफेस। एनी सरफेस एट विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल सरफेस। दूसरा इसमें जो डेफिनेशन है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। टेम्परेचर ग्रेडियंट कुछ नहीं होता, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, तो यहाँ पर ये जो इसी तरीके का है, आपके पास मान लीजिए कि ये थीटा सरफेस है और डेल्टा थीटा सरफेस है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम डिफाइन करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स, सॉरी, तो दो लेयर्स के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेयर्स, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो कैसे इसको दिखेंगे हम लोग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू आइसोथर्मल सर्फेसिस, वो सर्फेस कैसी होनी चाहिए, आइसोथर्मल सर्फेस होनी चाहिए, तो उन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो थीटा माइनस डेल्टा थीटा माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कर। अब आप कहोगे कि ये माइनस का साइन क्यों आया, माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप फ्रॉम दिस हीट, जिस लेयर को आपने हीट सप्लाई किया है उस वाली लेयर से आप दूसरी वाली लेयर की तरफ जा रहे हो, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उस डिक्रीज को ही रिप्रेजेंट किया गया है बाय दिस माइनस साइन। तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम हायर टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस एट विच हीट सप्लाई। अब नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और ये वाला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी जैसे कि लेयर है, जैसे कि अभी हमने बताया था इसमें, तो अब हम बात करें अगर हीट फ्लो जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो हीट फ्लो जो है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, दूसरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ दीज टू आइसोथर्मल लेयर्स, और साथ ही साथ डिपेंड करती है अपॉन द टाइम जिसमें वो फ्लो हुआ है।
ठीक है। तो इन तीन पैरामीटर्स पर, एरिया ऑफ द आइसोथर्मल लेयर, टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन दिस टू आइसोथर्मल लेयर्स और टाइम जिसमें वो फ्लो हुआ है उस पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाओगे तो एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, दैट इज़ के, और इस के को क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, या इसको कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। अब इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपके पास में कोई भी परफेक्ट कंडक्टर है तो उसके लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है या के की वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट, या यूँ कहिए कि के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो मटीरियल उतना ही ज़्यादा कंडक्टिव होता है, जितनी कम होती है वो उतना ही ज़्यादा इंसुलेटिंग नेचर का होता है। तो फॉर इंसुलेटर के इज ज़ीरो, तो के का यही मीनिंग है। अब इसमें एक और चीज़ डिफाइन कर लेते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक कुलाम्बिक रिपल्शन होता है, या इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो में एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है, या उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है, तो उस करंट फ्लो होने में जो रिस्ट्रिक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है, और इसी हीट के फ्लो में जो भी रिस्ट्रिक्शन है या जो भी कॉन्स्टेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं, दैट इज़ थर्मल रेजिस्टेंस। तो उसके सिमिलर ही होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एच। जैसे कि आपने पढ़ा होगा आर इज़ वी अपॉन आई होता है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट फ्लो। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट फ्लो, बिल्कुल वैसा ही है। इसको हम अगर थर्मल कंडक्टिविटी के टर्म में लिखना चाहें तो दैट इज़ आर बराबर एल अपॉन के ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ और भी शॉर्ट में फार्मूले याद रखने हैं। अब अगर हम कुछ शॉर्ट में फार्मूले याद करें, जैसे कि मान लीजिए दो कंडक्टर हैं या कई सारे कंडक्टर हैं, उनको हमने क्या किया, सीरीज़ में ज्वाइन कर लिया है या पैरेलल में ज्वाइन कर लिया है, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसको बात करते हैं। तो सपोज़ कर लीजिए हमारे पास में क्या है, दो है रॉड आपने क्या कर दिए, सीरीज़ में ज्वाइन कर दिए, ठीक है, मतलब सरफेस टू सरफेस ज्वाइन है। तो अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे कैलकुलेशन करके, अब सीरीज़ में जो है आपके पास में क्या होता है, हीट फ्लो जो है वो सेम होगा, एच वन इक्वल्स टू एच टू, जो इसमें हीट फ्लो होगा उसी में इसमें भी होगा, तो एच वन बराबर एच टू हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो टोटल हीट निकालोगे, टोटल हीट आ जाएगी, टोटल हीट के बेसिस पे टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, दैट विल बी आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, दैट इज़ सिमिलर टू आपके पास में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के सिमिलर हो जाएगा। अब मेन चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो क्या आ जाएगी, एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री अपॉन एल वन अपॉन के वन प्लस एल टू अपॉन के वन एंड एल वन। अगर मान लीजिए दो है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया और दोनों के लेंथ सेम है, तो के क्या हो जाएगा, टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू। ये वाला फार्मूला याद रखना है आपको, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो बाई एच वन इक्वल टू एच टू, ठीक है। अब अगर मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा आपके पास में, एच वन प्लस एच टू इक्वल टू एच हो जाएगा। अब एच का क्या है आपके पास में, क्यू अपॉन टी है, तो के डेल्टा थीटा अपॉन एल वो लिखोगे, इसी तरीके से के टू लिखोगे, एच टू लिखोगे, दोनों कॉम्बिनेशन लोगे, तो वहाँ से वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर टू आ जाएगा। अब के की बात करें अगर इक्विवेलेंट, तो के वन ए वन प्लस के टू ए टू अपॉन ए वन प्लस ए टू। और एक और बात याद रखनी है कि जब पैरेलल में है तो यहाँ पर लेंथ सेम होगी, और जब सीरीज़ में है आपके पास में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया सेम रहेगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मल कंडक्शन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए मेटल रॉड इज हीटेड एट इट्स बोथ एंड्स, द फ्लो ऑफ हीट इज मेटल रॉड डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। अभी हमने बताया था क्यों जो है वो किस पे डिपेंड करता है आपके पास में, क्यों डिपेंड करता है, एरिया पे, ग्रेडियंट पे और एक्स पे, यानी कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द रॉड पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड पूछा गया इसमें आपके पास में, तो डज नॉट डिपेंड का मतलब है मास पे डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन इज बी। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि अगर मान लीजिए पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ये 2009 हो जाएगा। अभी हमने बताया कि अगर पैरेलल में है तो क्या सेम हो जाएगा, लेंथ सेम हो जाएगी, तो के वन ए वन प्लस के टू ए टू अपॉन ए वन प्लस ए टू, यही सिमिलर हो जाएगा। ये आपको फार्मूला याद रखना है, इसे शॉर्ट में हो जाएगा, वैसे आप एच इक्वल टू एच वन प्लस एच टू से कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स ऑफ स्टील इफ द कंपोजिट सिलेंडर बार शोन इन द फिगर विद टेम्परेचर एट द जंक्शन कॉपर एंड स्टील एट द स्टील, यानी कि ये वाला जो जंक्शन है इसमें क्या टेम्परेचर होगा वो निकालना, ये किस कॉम्बिनेशन में है, दिस इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन बिकॉज सर्फेस टू सर्फेस ज्वाइनिंग है इस तरीके से।
मतलब एंड टू एंड ज्वाइनिंग एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। एंड टू एंड ज्वाइनिंग है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्या होगा ये आपको निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हमने मतलब पहले तो इसमें हमने बताया कि ये सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। सीरीज़ में क्या होता है, एच वन इक्वल्स टू एच टू हो जाता है, तो एच क्या हो जाएगा के ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल वन इक्वल्स टू के टू ए थीटा टू माइनस थीटा थीटा माइनस थीटा थ्री अपॉन एल टू। अब के जो है वो किस नाइन टाइम्स दिया हुआ है, तो इसकी जगह नाइन रख देंगे, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ थीटा बचेगा आपके पास में और अपॉन सिक्स, इसको कैंसिल करेंगे नाइन और एटीन कट जाएगा तो वन बाई टू आ जाएगा, दिस इज थीटा बाई सिक्स। अब इसको कैंसिल करोगे थ्री टू थ्री जो सिक्स हो जाएगा, थ्री हंड्रेड माइनस थ्री थीटा इक्वल टू दिस, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और बात याद रखना है आपको, थर्मल कंडक्शन के जब भी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं देन दे विल बी सॉल्व इन सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में सॉल्व होंगे। अभी तक हमने रेडिएशन की बात करी थी, कार्नोट इंजन की बात करी थी, या और भी जो भी प्रोसीजर हमने बताए थे, और उसमें हमने केल्विन की बात करी थी, लेकिन इसमें क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 75 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है टू एंड्स ऑफ रॉड्स ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर ऑफ द सेम मटीरियल आर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर, डिफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग टू रॉड्स मोस्ट हीट, आपको बतानी है इसमें, एक तरीके से कहना है क्यू जिसमें हाईएस्ट फ्लो होगा। एल दिया हुआ है, आर दे दिया है आपके पास में, अब किसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने बताया था कि क्यू जो होता है क्या होता है, के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू स्मॉल टी, यानी कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन ए आप पहले चेक करोगे, ऑप्शन ए में लेंथ कितना है 50 है, और 50 है आपके पास में लेंथ, और साथ ही साथ रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको रखोगे यहाँ पर तो 1 स्क्वायर 150 दैट इज़ 0.02। इसी तरीके से आप दूसरा वाला, दूसरे की रेडियस इतनी है 2 है और 100 है तो 0.04 हो जाएगा। थर्ड वाले में 0.5 है, 0.25 हो जाएगा, 0.01 आ जाएगा सॉल्व करने पर, 1.575 है तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है 0.04, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन इज़ बी, बी आपके पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मल कंडक्शन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।